अरुणिता कांचीलाल का सुबह सुबह असम से एक बहुत ही प्यारा वीडियो सामने आ गया है। सुबह सुबह अरुणिता ने अपने फैंस का दिल खुश कर दिया। अरुणिता ने असम की जनता को दीवाना बना दिया, साथ ही लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया। यूं कहें कि अरुणिता ने अपनी परफॉर्मेंस से धरती हिला कर रख दी। अरुणिता की परफॉर्मेंस से ज्यादा उनका गॉर्जियस लुक भी सबको दीवाना बना रहा है। अरुणिता ने असम में देवाई देवा जब गाना गाया तो हर कोई उनसे खुश हुआ और कुर्सियां छोड़कर लोग उनके गाने को एंजॉय करते दिखाई दिए। अरुणिता असम के मंच पर ब्लू साड़ी और कट स्लीव ब्लाउज पहनकर पहुंची थी। उन्होंने अपने लुक को और ज्यादा निखारने के लिए चोका नेकलेस और नोज पिन पहनी थी जो उन पर बहुत सूट कर रही थी। स्ट्रेट ओपन बालों में अरुणिता वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और अरुणिता का लाइट मेकअप जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। अरुणिता ने मंच पर जाने से पहले होटल के कमरे में जमकर फोटोशूट करवाया जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। खिड़की की तरफ निहारते हुए अरुणिता पोज दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पवनदीप का इंतजार कर रही हूँ। हालांकि इस मंच से अभी तक पवनदीप की फोटो नहीं आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस शो में सिर्फ अरुणिता को ही बुलाया गया था। वहीं अब 13 दिसंबर को एक और शो होने वाला है जिसमें पवन और अरुणिता दोनों नजर आएंगे। काफी वक्त से पवन अरुणिता एक साथ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसे में फैंस घबरा भी रहे हैं कि कहीं पवन अरुणिता के बीच लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है या कोई और वजह है जिसकी वजह से पवन अरुणिता एक साथ परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पवन अरुणिता एक साथ परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फैंस बेदुपागो की शूटिंग के वक्त पवनदीप पूरी पूरी रात नहीं सोए और स्टूडियो में ना केवल गाने की प्रैक्टिस करते दिखे बल्कि वो स्टूडियो में बाकी लोगों के साथ काम करते दिखाई दिए। उन्होंने बाकी सारे काम किए और सबके साथ काम करते दिखाई दिए। पवनदीप के संग बाकी सिंगर्स भी हैं जिनके साथ पवनदीप ने पूरा पूरा वक्त दिया। पवनदीप उन सिंगर्स के साथ मेकअप रूम में भी उनकी मदद करते दिखाई दिए, साउंड भी चेक करते दिखाई दिए, ऑडियंस भी देखते दिखाई दिए और बहुत सारे उन्होंने काम संभाले। इनके अलावा पवनदीप उनके रूम में प्रैक्टिस करते भी दिखाई दिए। सिंगर चाय पी रही है और पवनदीप उनके सामने बैठकर गिटार बजा रहे हैं। पवनदीप ने पूरी पूरी रात इस गाने के लिए लगा दी है। गाने का म्यूजिक और गाना वाकई बहुत जबरदस्त है, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वही उत्तराखंड की जनता को वेदुपाको का एक ये जो नया वर्जन मिला है ये सबसे अलग और हटके बताया जा रहा है। वेदुपाको में आपको पवनदीप की मेहनत कैसी लगी? क्या कह सकते हैं हम कि पवनदीप की मेहनत रंग लाई है? तो फैंस अरुणिता अभी घर में एक के बाद एक पल को खूब एंजॉय कर रही हैं और अपनी माँ के साथ उन्होंने ढेर सारे फोटो भी शेयर कर दिए हैं। माँ की लाडली अरुणिता जब घर में होती हैं तो बहुत अच्छा फील करती हैं, हर जगह घूमने जाती हैं। आस पड़ोस की आंटियों के साथ भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। अरुणिता ने माँ के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि माँ की लाडली। वहीं अरुणिता ने अपने भाई के साथ भी फोटो शेयर की और कुछ लोग और भी दिखाई दे रहे हैं, शायद उनके कजिन हो सकते हैं। अपने भाई बहन के साथ भी अरुणिता खूब मौज मस्ती करती हैं और दोस्ती वाला बॉन्ड शेयर करती हैं। अरुणिता घर में बहुत टाइम बाद पहुंची इसलिए उनके साथ हर कोई एंजॉय कर रहा है, एक एक पल को खूब एंजॉय किया जा रहा है और लगातार वो अपने फैंस को फोटो भी दिखा रही है। तो अरुणिता की जान शान कही जाने वाली उनकी माँ बहुत खुश है बेटी के आ जाने पर। अरुणिता पवन के सामने खूब हंसती है और दूसरा वो अपनी माँ के साथ खूब मौज मस्ती करती है। अरुणिता को संगीत सिखाने वाली उनकी माँ ही है। अरुणिता की तरह उनकी माँ की भी बहुत अच्छी आवाज है। तो आप अरुणिता की फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरुणिता की फैमिली में सबसे दिलचस्प सदस्य कौन लगा आपको? अरुणिता कांचीलाल अब छोटी मोटी सिंगर नहीं रही बल्कि बड़े बड़े सिंगर्स की लिस्ट में अरुणिता कांचीलाल का नाम शामिल हो गया है और इसी के साथ अरुणिता कांचीलाल का लुक भी दिन पर दिन बदलता ही जा रहा। हाई प्रोफाइल में अरुणिता कांचीलाल आने लगी हैं। अब बड़े बड़े स्टार्स के बीच जाती हैं तो उन्हें अपना लुक तो बदलना पड़ेगा ही। हाल ही में अरुणिता कांचीलाल काफी सिक्योरिटी के साथ शो में पहुंची थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरुणिता कांचीलाल के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं जो कि घेर लेते हैं। ऐसे में अरुणिता की परफॉर्मेंस पे दिक्कत ना हो और भीड़ से उन्हें नुकसान ना पहुंचे इसके लिए वो हाल ही में बॉडीगार्ड के संग शो में पहुंची थी। अरुणिता कांचीलाल मंच पर गा रही और उनके चारों तरफ सिंगा फोर्स वीआईपी बॉडीगार्ड्स खड़े थे जो कि वाकई बहुत खूबसूरत पिक्चर लग रहा था। वायरल फोटोज में अरुणिता कांचीलाल की ग्रैंड एंट्री ने सभी के होश उड़ा दिए। पवनदीप भी शॉक रह गए जब अरुणिता त्रिपुरा शो में कई बॉडीगार्ड के साथ मंच पर पहुंची। अब सवाल
सवाल ये भी है कि अब तक अरुणिता बॉडीगार्ड लेकर नहीं जाती थी क्योंकि वो पवनदीप के संग जाती थी, लेकिन जिन शो में वो अकेली जाती है वहाँ उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। कई बार अरुणिता लोगों के बीच फंस गई थी जिसके बाद अरुणिता ने बॉडीगार्ड के साथ जाना ठीक समझा। वही सवाल ये भी है क्या अरुणिता पवन के संग इतना कम्फर्ट फील करती है उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, या पवन उनका इतना ख्याल रखते हैं जो कि अरुणिता को किसी की जरूरत ही नहीं होती है। वैसे पवन है ही इतने मासूम कि वो किसी के भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अरुणिता संग उनका मजबूत बॉन्ड भी है, तो पवन अरुणिता के दोस्त कम है और बॉडीगार्ड ज्यादा है। वैसे आपको अरुणिता के कौन से बॉडीगार्ड ज्यादा पसंद है, सिंगाफोर्स VIP बॉडीगार्ड या फिर पवनदीप के साथ? फाइनली अरुणिता की झलक दिख गई। पवन के पास ना होने पर वो अपना टाइम स्पेंड कैसे कर रही है उसकी एक झलक आप भी देख लीजिए। आज तो अरुणिता ने सबके होश उड़ा दिए, अपनी अदाओं से दिल खुश कर दिया। जी हाँ, अरुणिता सुबह सुबह डांस करती दिखाई दी। अरुणिता सुबह सुबह मौज मस्ती करती है और अपनी दोस्त के साथ खूब लटके झटके मार रही है। आजकल सोशल मीडिया पर एक गाना खूब ट्रेंड हो रहा है, वो शायद आपको भी पता होगा। जी हाँ, वो गाना है मेरा दिल ये पुकारे आजा। इस गाने का खूब क्रेज देखा जा रहा है और इस गाने पर ढेर सारी इंस्टाग्राम रील्स भी देखी जा रही है। जब से एक पाकिस्तानी लड़की ने इस गाने पर डांस किया है तब से इस गाने की खूब चर्चा हो रही है और अब अरुणिता ने भी इस गाने पर रील बनाई है जो वाकई उन पर खूब सूट कर रही है और इससे कहीं ज्यादा अरुणिता का खूबसूरत लुक पसंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो में अरुणिता अपनी दोस्त के संग मेरा दिल ये पुकारे गाने पर डांस कर रही है, ठुमके लगा रही है, चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशन दे रही है और किसी को पसंद आए ना आए लेकिन ये वीडियो पवनदीप को बहुत पसंद आ रही है। वो बार बार देख रहे हैं और अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। वहीं अरुणिता ने अपने लुक से भी सबके होश उड़ा दिए। अरुणिता साड़ी पहनकर इस गाने पर ठुमके मारती दिखाई दी और साथ ही उन्होंने चोका नेकलेस से अपने लुक को परफेक्ट बनाया था। अगर आपको भी अरुणिता के डांस की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, अरुणिता की तारीफ में कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फैंस, पवनदीप की एयरपोर्ट से वीडियो सामने आ चुकी है। पवनदीप के चेहरे पर खुशी तो दिखी लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी भी हैं। उनके आसपास कोई नहीं दिखा और पवनदीप एयरपोर्ट पर बैग के साथ दिखाई दिए। उनके दुखी रहने का राज अरुणिता कांचीलाल है। पवनदीप अरुणिता के संग नहीं जा पाए, वहीं पवनदीप खुश इसलिए हैं, जिधर जिधर वो जा रहे हैं उन्हें लोग बेदुपाकों की सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पवनदीप का आज और कल यानी 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में शो होने वाला है। वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार पवनदीप के संग साइली काम ले गई हैं, इसलिए और भी हैरानी की बात है क्योंकि हमेशा तो पवनदीप के साथ अरुणिता जाती हैं या फिर पवनदीप अकेले जाते हैं, लेकिन इस बार पवनदीप के साथ ना ही अरुणिता गई हैं और ना ही पवनदीप अकेले गए। साइली कामले क्यों गई, इसके पीछे भी कोई बड़ा राज हो जाता? क्या सब कुछ ठीक तो है? क्या अरुणिता की तबीयत ठीक नहीं है या फिर पवनदीप अरुणिता के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ? वैसे तो पवन के संग अरुणिता ही जाती है लेकिन इस बार क्या हो गया? तो वजह क्या हो सकती है कमेंट बॉक्स में सोच कर बताएं।